All right. So write on the next one. Solve. Solve graphically minus 24x square plus 14x plus 20 less than equal to 0. Graphically. Up. All right. On the board. Right. So I need to draw the graph of this. Definitely a parabola. Zeros nikal lete hain. So my polynomial is minus 24x square plus 14x plus 20 equal to 0. First and foremost. This is 2 common aa raha hai. तो कॉमन लो माइनस 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 राइट ऑलराइट सो मैंने तुम स्प्लिट करते हैं द बेस्ट मेथड आई मीन पर्सनल फेवरेट मेथड सो यू नीड टू थिंक ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज माइनस 7 एंड हुज प्रोडक्ट इज माइनस 120 छोटा नंबर ही था ये सोचो क्या होगा आई थिंक इस केस में तो दिख रहा है टू देखो वन इंटू 120 तो होगा नहीं टू इंटू 60 भी नहीं होगा फोर थ्री वाला भी नहीं होगा थ्री इंटू 40 भी नहीं होगा चेक करना जरा एट एंड 15 चेक करो एट एंड 15 डेफिनेटली प्रोडक्ट में मिल जाएगा हाँ यहाँ पे माइनस 7 है थ्री तो माइनस 15 ऑब्वियसली बिकॉज माइनस यहाँ पे है माइनस 15 एंड 8 माइनस 15 एंड 8 एंड मेरे टर्म स्प्लिट हो गए तो दिस इज माइनस 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो यहां से माइनस 3x कॉमन ले लें तो 4x प्लस 5 प्लस लेट्स टेक 2 कॉमन तो 2 इंटू 4x प्लस 5 Right? So my zeros are minus 2 by 3, in fact, plus 2 by 3, and minus 5 by 4. Right? Yeah. Zeros milgi, let's draw the parabola. Alright, so coordinate axis. Now, 2 by 3, suppose. That is here tentatively, and minus 5 by 4, suppose that is here. Now, parabola banana, pehle dekho lo. Leading coefficient is negative. Leading coefficient is negative. That means the parabola will open downwards, passing through these two points. Alright, so suppose tentatively this will be our parabola. Right? ग्राफ तो बना लिया मुझे करना क्या था हाँ आई नीड टू सॉल्व दिस नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो अच्छा ये क्या था मेरा वाई सो आई वांट वाई लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब दिस यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं वाई लेस देन जीरो भी आ रहा है एंड यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है और वाई जीरो भी आ रहा है दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड सच वाई विच आर नेगेटिव Either they are negative or they can be zero as well. Negative wale and zero wale. Oh, dono le hai. Theek hai. We have to be careful now. Let's start with this. Y is definitely zero here. Sahi hai tha zero? Yes. This is a favorable point now. Careful. Right? Now, aage chale. Theek hai. So, corresponding point ye ho gaya. So, Y is definitely positive. Ye wala nahi chahiye. ठीक है फेवरेबल पॉइंट राइट लेट मूव फॉरवर्ड सपोज आई टेक दिस एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट दिस वन अब वाई चेक करें
तो y इज डेफिनेटली नेगेटिव राइट, तो फेवरेबल पॉइंट. इन फैक्ट आगे वाले पॉइंट में सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, पर्सन पॉइंट इज हियर, y इज डेफिनेटली नेगेटिव, अगेन फेवरेबल. ऑलराइट, सो दैट मींस दिस एंटायर रीजन इज फेवरेबल. ये वाला तो नहीं है फेवरेबल, यहाँ पे आ जाते हैं. नाउ लेट्स टेक दिस पॉइंट राइट, पॉइंट ढूंढो मेरा, एंड y इज डेफिनेटली नेगेटिव. ये वाला पॉइंट भी है राइट, यहाँ वाला चेक करो, उस पॉइंट पे y विल डेफिनेटली बी नेगेटिव. ये यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव. दिस इज ऑल्सो द फेवरेबल पॉइंट, दैट मीन्स दिस रीजन इज ऑल्सो देयर राइट. सो फेवरेबल रीजन देखते हैं. नाउ x की वैल्यूज देखनी है राइट, फेवरेबल रीजन है, x की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं. यहाँ ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट था क्या, 2/3 राइट. दिस पॉइंट आई हैव टू टेक, आई नीड टू टेक ऑल दीज x वैल्यूज, मतलब x 2/3 या 2/3 से ग्रेटर. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, ये तो यहां से मिल गया. अब इधर से चेक करें, सबसे पहले पॉइंट आई है -5/4, x -5/4 हो सकता है, उसके आगे ये सारी वैल्यूज हो सकती है x की, एवरीवन. सो ये क्या है, x या तो -5/4 या उससे लेस. सो और x इज लेस देन और इक्वल टू -5/4, दैट इज योर आंसर. Done. Okay. Write down another one. Solve. Graphically, x² + 4x - 10. x² + 4x - 10 < 0. < 0. Let's check. Hurry up. I think sufficient time. Let's discuss this now. On the board, graphically solve karna hai, definitely graph banana hai. So suppose this polynomial x² + 4x - 10, let this be y. Mujhe ye solve karna tha. That means I need to find those values of x for which this quantity is negative. So those values of x for which y is negative. राइट, नाउ ग्राफ बना लेते हैं. ग्राफ बनाने के लिए जीरो जीरो फाइंड आउट करना है, दैट मींस यू नीड टू थिंक ऑफ टू नंबर्स, दिस 4 एंड हूज प्रोडक्ट इज -10. सो टू नाउ द प्रॉब्लम इज यू कांट सीम टू थिंक ऑफ सच नंबर्स राइट, इज अ बिग प्रॉब्लम. फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्रेड नहीं हो रही है राइट, I'm unable to split the middle term. But this is a quadratic polynomial. Quadratic equation ban gayi, in fact. So, can't you solve it? Agar nahi lag raha splitting the middle term, short method. That is the method of quadratic formula. Quadratic formula kya hai? So, quadratic formula. Likh lete hain. So, x equal to quadratic formula is -b - 4. Plus minus under root of b² which is 4² - 4 a is 1
टू माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस फोर्टी. आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज 56 होल डिवाइड बाय 2. इतने से 4 कॉमन आ जाता है, बाहर आके 2 बन जाएगा. डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ. दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट 14. तो दो जीरोज मिल चुके हैं मुझे. वन इज माइनस 2 माइनस, सेकेंड वन इज माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 14. टू जीरो. तो ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड नाउ द जीरो. राइट. सो ओके, माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 14. स्क्वायर रूट 14 माइनस 3 समथिंग, माइनस का स्क्वायर रूट 14 3 पॉइंट समथिंग होगा. तो माइनस 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2 माइनस 5 पॉइंट समथिंग. तो इसको मान लो सपोज यहाँ पे दिस इज माइनस 2 माइनस रूट 14. राइट. दिस इज माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 14. स्क्वायर रूट 14 इज 3 पॉइंट समथिंग. तो 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2 दैट इज 1 पॉइंट समथिंग. टेंटेटिवली सो सपोज दिस इज द पॉइंट माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 14. नाउ पैराबोला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. डेफिनेटली पैराबोला विल ओपन अप. Okay, not bad, but could have been better. Okay, better. Okay, let's see. तुझे क्या चाहिए था? हाँ, y negative चाहिए. y negative ढूंढ रहे हैं. So obviously यहाँ पे y क्या होगा? Zero. चलिए आगे चलें. तो इसके आगे चले. सो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये y will definitely be negative. ठीक है, ये मिल गया. अब आगे चले. यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इज दिस. y के कोऑर्डिनेट ढूंढो. y कोऑर्डिनेट दिस इज डेफिनेटली नेगेटिव. ये भी चाहिए. देन ये वाले पॉइंट लो. डेफिनेटली नेगेटिव दिस पॉइंट ऑल्सो. नाउ यहाँ पे तो y जीरो हो जाएगा, ये नहीं चाहिए. तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट ले लें. कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये तो पॉजिटिव है, ये नहीं चाहिए. अच्छा ये वाला पॉइंट देखो, y पॉजिटिव है नेगेटिव है? y इज पॉजिटिव, आई डोंट नीड दिस पॉइंट एज वेल. ऑलराइट. तो ये रीजन तो नहीं चाहिए, ये रीजन चाहिए. अच्छा ये वाला रीजन रह गया हमारा. ठीक है. तो अगेन पॉइंट लो यहाँ पे. कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले दिस एंड y इज डेफिनेटली पॉजिटिव. मुझे तो नेगेटिव चाहिए था, ये भी नहीं है. यहाँ पे देखना y पॉजिटिव आ रहा है. Yes, positive आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए. तो ये रीजन भी नहीं चाहिए. राइट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन. मुझे चाहिए क्या था? दोज वैल्यूज ऑफ x, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज नेगेटिव. वैल्यूज ऑफ x चाहिए. तो यहां से लेके यहां तक दीज वैल्यूज ऑफ x. अब दैट मीन्स x लाइज बिटवीन दिस पॉइंट इज माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 14 and this point is minus 2 plus root 14 square root 14. So my answer is minus 2 minus square root 14 less than x less than minus 2 plus square root 14. That is my final answer. Check your log now. Check your answer. All right. So write down the next one. Solve. Cube minus 3x square minus 13x plus 15 less than 0. X cube minus 3x square minus 13x plus 15 less than 0. Come on. You know how to draw the graph of cubic polynomials. Don't worry, तुमने सिखाया था. Use it. Zeros निकालने भी आते हैं, graph बनाना भी आता है. So I think ये question सबको आना चाहिए अब.
हरी अप All right, I think sufficient time. Let's focus on the board now. All right, so I need to solve this graphically. Graph banana. So I'll suppose this polynomial x cubed minus 3x squared minus 13x plus 15. Let this polynomial be 1. Right? Okay. Solve banana. So that means I need to find those values of x for which. Or I can say this is negative. Right? Ye bhi likh liya. Now, obviously, graph banane ke liye, I need the zeros. Zeros of the polynomial. X cube minus 3x square minus 13x plus 15. Right? Zeros chahiye. Cubic polynomial equal to 0. Right? So, cubic polynomial hai. Haan. Hidden drive. We can use that. Now, hidden drive के लिए हम कौन से numbers choose करेंगे? This is the constant term. So, I will look at the divisors of this number. 15 के divisors. Plus minus 1. Plus minus 2. Plus minus 3. And plus minus 5. Plus minus 2 कैसे हो गया? Yeah. So, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 15. These are the possible candidates. Possible candidates में निकालो zeros होंगे क्या? Check करो. Check. One तो definitely दिख ही रहा था. Then 5 also turn out to be the 0. And minus 3 is also the 0. Right? तुम्हें को तीन zeros मिल गए. In fact, ये factors भी लिख लेते हो. 1 is the 0, that means factor is x minus 1. Right? 5 is the 0, that means x minus 5 is the factor. Then, minus 3 is the 0, that means x plus 3 is the factor. Right? And let's draw the graph. सबसे पहले, 0, this is 1. Then, 5. Now, dominant term to dekhi nahi humne. Ab when x is greater than 3, when x is large, dominant term kaun si hogi? X cube wale. So, sabse pehle, I need to draw the graph of y is equal to x cube, which you already know. Y is equal to x cube is something like, right? That means, iske aage, extreme par, kaise shape honi chahiye? Something like this. Right, so let's draw it. Now you need to check whether it is par or touch. It's par of the factor. Or x minus 5 by the factor. Par kya hai? 1, which is an odd number. That means definitely cross over. Cross over? Right. But cross over is point se bhi jana. I mean, realism. Is point se bhi jana. Right, so that means somewhere it will turn. And come back here. Right, now let's see. 1 se cross ho raha hai. Iski baar kya hai? 1. Odd number. Definitely cross karega. So cross karega. Now it has to pass through this point. That means it will turn and pass through here. Ab check karo factor. 1. So that means definitely again cross. But iske aage banane ke liye shape kaisi hogi? Like this. So let's make it. So it will be something like this. This is the graph of this equation. Right? Ab mujhe chahiye kya tha? I need those values of x for which y is negative. Y negative don't let them. Ab yahan se start karte hain.
right? Definitely y 0 is. So here's the reason. Now this one. A corresponding point to know y will definitely be positive. Positive nahi chahiye, given hai. So ye wala dekha. Y is positive again, given hai chahiye. So this one, let's try karein. Y is positive, ye nahi chahiye. I want y to be negative. ठीक है, यहाँ पे तो जीरो हो गया. तो अब यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे y will be negative. Negative है अभी, so favorable point. Then ये वाला point ले, y is again negative, so this point. अच्छा यहाँ पे आते आते जीरो हो गया. क्या आगे चले, y is definitely positive. आगे चले, y is positive. That means ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. ये region नहीं चाहिए, ये region भी नहीं चाहिए, ये वाला region चाहिए था. Right, अब ये वाला part रह गया. तो अब मैं यहाँ पे मान लूँ, check करूँ. Y is definitely negative. Again, y is negative. तो ये point चाहिए. That means ये वाला region चाहिए. Now, I'm interested in the values of x. अब मेरा favorable कौन सा था? ये वाला region. वैल्यूज ऑफ एक्स चेक करो, कहां से कहां तक वेरी कर रही है. दीस आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स इन दोनों के बीच. राइट, ये पॉइंट था 1, ये था 5. सो दैट मींस एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 5. राइट, अब दिस इज नाउ एक्स की वैल्यूज देखो, यहाँ पे ये भी ये भी ये भी. इनफैक्ट इफ दीस वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स लेस देन माइनस for these values of x is the y negative. This is your final answer. Check the log answer. Done. So write down the next one. 2x raised power 4 2x raised power 4 plus 3x cube minus plus 33x square plus 13x minus 15 greater than 0. Come on. Now you know how to find the zeros of a biquadratic polynomial. Zeros pata. And you also know how to draw the graph of it. Did you know that? Come on. Adios. Alright, सबसे पहले तो graph बनाना है. तो graph, so let this be dy. So y is equal to 2x raised power 4 plus 3x cube plus 33x square plus 13x minus 15. Right? अब solve करने के लिए I need those values of x which will make this quantity greater than 0. This is nothing but y. So those values of x for which y is positive. Right, वो ग्राफ से देख लेते हैं. Now, in order to make this graph, I need the zero. So, 2x raised power 4 plus 3x cube plus 33x square plus 13x minus 15 equal to 0. Right, now in order to find the zeros, obviously I look at the divisors of minus 15. So, check for plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5. Plus minus 50. Check karo.
तुम्हारी होपफुली याद आनी चाहिए. जीरो जा 1/2 5 -3 -1 राइट. दीज आर दी पॉसिबल जीरो. इनफैक्ट जीरो लिखे हैं तो फैक्टर्स भी लिख लेते हैं. तो y इज इक्वल टू 1/2 का फैक्टर होने वाला है 2x माइनस 1 एंड देन x माइनस 5 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 राइट. डन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मार्क दी जीरो. सो कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो फर्स्ट इज अप and suppose this is 5, this is minus 1, 3 minus 3. I think we're all over this. And now, so graph banana hai, but extremes ke liye pehle hum dominant term dekh lete hain. Dominant term is 2x raised power 4, whose graph you already know. So let's see, 2x raised power 4. So extreme से the graph shape will be something like this. Right? Now you need to see whether this path yes odd path है, so definitely cross करेगा. Cross करेगा. Now इस point से जाना है, so it marks the zeros like this. ठीक है. इस point पे जाना है, definitely turn करेगा. Now यहाँ पे cross कर रहा है. मुझे चेक करना है y पॉजिटिव. ओके, दोस वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज पॉजिटिव. ओके, यहाँ से स्टार्ट करें. नाउ इसके आगे यहाँ पे चलूंगी, y इज नेगेटिव. ये वाला तो रीजन नहीं चाहिए. अब यहाँ पे फिर से जीरो. आगे चलें, सपोज आई टेक दिस वन, y इज पॉजिटिव इन दिस केस, तो यस ये वाला रीजन चाहिए होगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे जीरो है. आगे चलें, यहाँ पे y इज नेगेटिव, ये नहीं चाहिए. अब आगे चलें, यहाँ पे y is again negative. I don't need this point as well. So आगे चलेंगे तो नहीं मिलेगा. यहाँ पे आ जाते हैं, y is zero. So let's move ahead. यहाँ पे let's check y is y is positive now. Okay, this is the one. इसके आगे अगर मैं देखूँ, y definitely positive मिलने वाला मुझे. So this is the required region. और कोई region है? हाँ, ये था. ये वाला नहीं चाहिए. रीजन भी नहीं चाहिए. हाँ, ये वाला रीजन था. मुझे तो एक्स की वैल्यूज चाहिए. तो एक्स की कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज आ रही है? दिस दिस एंड दिस हियर. दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स. राइट, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करें? यहाँ पे इट वे varies from minus 1 to 1/2. Right? ये वाले portion की लिखे. Now, ये वाला तो था नहीं. हाँ, this one. Now, obviously, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? It is increasing these, all these values. In fact, x is greater than 5. So, x is greater than 5. Right? ये भी लिख लिया, ये भी हो गया. हाँ, this one. Now, x की वैल्यूज देखें. This, this, this. In fact, x will be less than minus 3. Again, yeah, again. All x is less than minus 3. That is your required answer. Hopefully not. सॉल्व ग्राफिकली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 लेस देन 0.
अपॉन, जीरो निकालो पहले, फाइंड द जीरो फर्स्ट, राइट, ओके, आई थिंक सफिशिएंट टाइम ऑन द बोर्ड नाउ, राइट, सो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ऑब्वियसली ग्राफ बनाएंगे हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, सो बेसिकली आई रिक्वायर दोज वैल्यूज ऑफ x, ऑफ विच दिस इज नेगेटिव, सो y इज नेगेटिव. अब जीरो से निकालने पड़ेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो. अब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है मुझसे, ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, वन मेथड इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेट्स यूज दैट. तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस फोर प्लस माइनस, दिस इज फोर स्क्वायर, बी स्क्वायर था तो फोर स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन, माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर ए इज माइनस वन into c, that is minus 7, right, whole divided by 2 into a, so that is 2 into minus 1. Now the thing is, okay, let's see, so minus 4 plus minus, this is 16, minus 4 into 7, minus 2 by minus 2, above it all, yahan to problem nahi hai. 16 minus 28 is definitely a negative number. Will you get real values of x? Absolutely not. Discriminant less than 0 ho gaya. No real values of x. No real values of x. So, iska matlab kya hai? Values of x. Socho. No real values of x, or I can say no zeros. Zeros nahi hai, right? That means definitely parabola will not cross or touch the x-axis. No zeros, that means cross nahi karega x-axis ko. Okay, theek hai. Ab, matlab, pehle to dekh lo. Leading coefficient is negative. Parabola is opening downwards. Downwards hai and touch nahi karna chahiye. Theek hai. So tentatively graph bana lete hain. Zero pe value check kare minus. ग्राफ कुछ मे भी कुछ टेंटेटिव भी कुछ ऐसा ना होगा, टच नहीं करेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, राइट, ठीक है. अब मुझे चाहिए क्या था, वाई नेगेटिव वैल्यू ढूंढे, अब इसमें कोई जीरो तो है नहीं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, वाई इज डेफिनेटली नेगेटिव, ठीक है, ऑलराइट, यहां पे चेक करें, वाई इज अगेन नेगेटिव, एंड दिस वन डेफिनेटली नेगेटिव. आगे चलो, सुना बोलो, नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू टेक, वाई विल डेफिनेटली बी नेगेटिव. अच्छा इस टाइप से सोचो, दो फाइन, क्या हुआ नेगेटिव, इस टाइप से करना, चेक इट आप, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट. इन फैक्ट फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एक्स आई विल डेफिनेटली बी नेगेटिव, all these values, मतलब यहाँ, yeah, all these values. अब the thing is, how will you write it? So I'll say that x lies between minus infinity to infinity. Because without bound यहाँ पे x बढ़ता जाएगा, and when you increase something without bound, you will say that is it is approaching, in this case negative infinity. उस टाइप
without bound, it is increasing. So I'll say that x is also approaching positive infinity. So I can say that x lies between minus infinity and infinity. This entire x-axis will be the solution. That's the answer. All right. Now, write on the next.